हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है बाइल डक्ट स्टोन्स एंड ईआरसीपी। सो बाइल डक्ट स्टोन्स से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको बाइल डक्ट स्टोन्स है और क्या करना चाहिए, क्या आप सिर्फ मेडिसिन लेना चाहिए, क्या आपको वो ऑपरेशन कराना चाहिए, ओपन करना चाहिए या ईआरसीपी करना चाहिए। सो आज हम लोग जानेंगे कि जो बाइल डक्ट स्टोन्स है उसका मतलब क्या हुआ। जैसे नाम से पता चलता है कि बाइल डक्ट मतलब है कि जो पित्त की नलकी में उसके अंदर स्टोन है। सो इसको समझने के लिए कि भाई पित्त का जो नलकी होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जैसे हमें पता है कि लीवर तो ऊपर होता है, उसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होती है, तो दोनों लीवर और गॉल ब्लैडर से अपना अपना डक्ट जो आते हैं एंड देन जुड़ के एक बाइल डक्ट बनता है, और वो बाइल डक्ट जो है वो छोटी आंत में खुलती है पेट के जस्ट नीचे। सो जो जो डक्ट का जो स्टोन है बाइल डक्ट स्टोन, वो इस कॉमन बाइल डक्ट जो मैंने बताया लीवर और गॉल ब्लैडर के जुड़ने के चलते जो कॉमन डक्ट बनता है उसके अंदर स्टोन्स बनना, उसको बाइल डक्ट स्टोन्स कहते हैं। कई बार वो स्टोन जो है लीवर के जो डक्ट में या हेपेटिक डक्ट जिसको कहते हैं उसके अंदर भी स्टोन्स होते हैं। सो इस प्रॉब्लम के साथ आपको क्या होगा, अगर ये स्टोन्स अगर है तो इसमें आपको पेट में दर्द होगा, खासकर राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्रैम्पी तरह का दर्द हो सकती है, साथ में जॉन्डिस भी हो सकता है कि वो ब्लॉकेज किया जाए, ब्लॉकेज कर दिया होगा वो डक्ट में स्टोन्स जो है उसके चलते जॉन्डिस भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसको कोलेंजाइटिस भी कहते हैं। और कोलेंजाइटिस जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, उसमें आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। सो ऐसे तो हमने समझ गया कि बाइल डक्ट स्टोन्स होता क्या है, और वो स्टोन्स जो है आपको दवाओं से नहीं ठीक होने वाली, आपको ये इसका एक ही उपाय है कि वो डक्ट्स का जो स्टोन्स है वो आपको ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है, ईआरसीपी या ओपन जो है ऑपरेशन जो होता है ओपन कॉलिडेक्टोमी कहते हैं। सो यूजुअली क्या या ओपन कॉलिसेस्टोमी भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो स्टोन है वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एंडोस्कोपी से करके हम लोग उस छोटी आंत में जाके वहाँ पे जो मुंह है जो डक्ट का जो ओपनिंग है छोटी आंत में वहाँ से हम लोग वायर जाते हैं और उस वायर से हम लोग बलून को फुला के बलून को इन्फ्लेट करके वो डक्ट के अंदर जो स्टोन्स है उसको सारे एक एक करके निकालते हैं। इसको हम लोग ईआरसीपी कहते हैं या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियोटोग्राफी कहते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, इसमें 15 मिनट से 1 घंटे का प्रोसीजर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें कि आपका जो इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टोन्स है वो स्टोन्स तो निकल जाते हैं, कई बार इसमें प्रॉब्लम होता है कि जो स्टोन्स है वो बड़े होते हैं साइज में, वो स्टोन्स इतने बड़े होते हैं कि वो डक्ट के अंदर फंस जाता है जिसको इम्पैक्टेड स्टोन्स भी कहते हैं। इन दैट केस आपको वो स्टोन्स जो है लेजर से बर्न करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाई ग्लास से उस स्टोन को तोड़ना पड़ता है, वो तोड़ के फिर वो स्टोन को टूटे हुए स्टोन्स को निकालते हैं कि करके। एक और भी तरीका होता है जिसमें हम लोग बास्केट चढ़ा के और मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी भी करते हैं। सो ये सब तो कंडीशंस है जिसमें बड़ा बड़ा स्टोन्स जो है वो भी निकल जाता है। कुछ कंडीशंस डेफिनेटली फिर हमें ओपन सर्जरीज करने पड़ते हैं कुछ कंडीशंस में। सो यूजली ERCPs 90-95% सक्सेस रेट होता है और सेफ होता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको समझना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें, थोड़ा बहुत जो है ब्लीडिंग का भी रिस्क रहती है, अगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें आपका जो बाइल लीक भी हो सकता है, अंदर में डक्ट इंजरी भी हो सकता है, ड्यूडनल परफोरेशन भी हो सकता है जिसको छोटी आंत को परफोरेशन, हाँ ये सब डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस है, बट विथ ए गुड हैंड्स यूजली प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इट इज़ क्वाइट सेफ। एंड ये जो है प्रोसीजर जैसे मैंने बताया 15 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर हो जाती है एंड अच्छे सेंटर्स में ये बहुत जल्दी अच्छे से ये क्लीन अप हो जाती है। अच्छा, ये जब स्टोन्स हम लोग निकाल देते हैं उसके बाद हम लोग एक स्टेंट छोड़ देते हैं, 1 या 2 स्टेंट, उस स्टेंट को हम लोग इसलिए रखते हैं कि दोबारा कोई स्टोन आए ना और वो फंस के दोबारा ब्लॉकेज ना कराए, तो वो स्टेंट जो है उसको रखना पड़ता है गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के अंदर। उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर होता है कि आपका अगर गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स हैं तो उसको आप दूरबीन से द्वारा इस बीच में आपको ऑपरेट करना पड़ता है। कुछ सर्जन्स जो है विदाउट जब कॉम्प्लिकेशंस कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता ईआरसीपी तो सेम डे कई बार सेकेंड डे सब्सिक्वेंट डे में भी लैब कॉली करते हैं, कुछ लोग 3 वीक्स टू 4 वीक्स के बाद भी
लैप कॉले करते हैं, जिसको कहते हैं दूरबीन से गॉल ब्लैडर का रिमूवल। ये तो हुआ आपका गॉल ब्लैडर का रिमूवल। जो थर्ड प्रोसेस होता है उसमें क्या है, जो हमने स्टेंट छोड़ दिया है उसको हम लोग स्टेंट को ईजिली रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये समझना आपको पड़ेगा कि जो हम लोग स्टेंट जो छोड़ देते हैं उससे कोई कॉम्प्लिकेशन वैसे तो नहीं होता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। कई बार आप लोग आते हैं पूछते हैं कि स्टेंट्स जो है हमें निकालना कब पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग गलती से भूल जाते हैं हटाना, कुछ लोग को लगता है कि वैसे ही रहेगा अंदर, नहीं, वो आपको 3 महीने से पहले पहले हटाना चाहिए। कायदे से 4 to 6 weeks में आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी आपको आना है, आपको विदाउट सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया, विदाउट जनरल एनेस्थीसिया में आपको 4 से 5 मिनट में वो प्रोसीजर होके स्टेंट निकाल देते हैं। सो बहुत इजीली हो जाती है। तो इसका मतलब 3 स्टेप में अगर आपको समझना है कि कैसे कैसे होता है, अगर आपको गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है और बाइल डक्ट में भी स्टोन्स है, तो सबसे पहला है कि आपको ERCPs करेंगे, वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है, वो बिल्कुल बेहोश करके करते हैं। सेकेंड कि आपका लैप कॉलेज जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर का सर्जरी, वो एक सर्जन करता है, वो नेक्स्ट डे करेगा या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद करेगा, एज पर द पेशेंट्स एंड सर्जन्स पेशेंट्स कंडीशन एंड सर्जन्स चॉइस। एंड थर्ड है, जब सर्जन सर्जरी कर लेता है उसके 4 हफ्ते बाद आपको वो स्टेंट रिमूव करना है। तो स्टेंट रिमूवल एक लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, 2 मिनट से 4 मिनट 5 मिनट का प्रोसीजर है। बाकी जो फर्स्ट 2 प्रोसीजर है वो बिल्कुल जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, बिल्कुल आप बेहोश रहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सो ये सब इम्पॉर्टेंट, ये आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ नेक्स्ट बार किसी और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। थैंक यू सो मच।